श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। शिव की कृपा कितनी है आप पर जरा विचार करिए। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में एक कटोरी में उसको रखते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। प्रदोष शिवरात्रि सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2-3-4-5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। सोमवार प्रदोष शिवरात्रि सोमवार की अष्टमी ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है, अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा दिन, तो प्रदोष के लिए गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। यह उपाय गुरु जी ने अभी की कथा में बताया है। इस उपाय के लिए हमें मात्र एक शमी पत्र लेना है। यह उपाय मात्र एक शमी पत्र से भी आप कर सकते हैं, 2 शमी पत्र भी ले सकते हैं, 5 शमी पत्र भी ले सकते हैं, 7 शमी पत्र भी ले सकते हैं। इस उपाय को हमें सिर्फ शमी पत्र से ही करना है। इस उपाय के लिए हमें शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करना है। यह उपाय
प्रदोष के दिन किया जाता है और प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 25-30 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 25-30 मिनट बाद तक का जो समय है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल के समय ही हम ये उपाय करते हैं। प्रदोष काल के समय शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है उसका स्मरण करते हुए महादेव को अपने दिल की बात कह देना है। महादेव के शिवलिंग का अभिषेक भी हमें करना है। यह उपाय हमें घर पर ही करना है। इस उपाय के लिए हमें किसी शिव मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय हम घर पर कर सकते हैं। घर में आपके पास जो भी शिवलिंग है उस शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी यह उपाय कर सकते हैं। शमी पत्र समर्पित करने के बाद अभिषेक करना है और रात के 9:15 शमी पत्र को वापस उठा लेना है और अपने घर में कहीं भी इसको रख लेना है। इसी तरह से हमें यह उपाय 4-5 प्रदोष को करना है और उसी शमी पत्र को इकट्ठे करते रहना है। महादेव आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अगर आप कभी भी किसी खास काम के लिए कहीं जा रहे होते हैं और मन में ये सोचकर चलते हैं कि काश हमारा ये काम हो जाए, तो आपको जो आपने शमी पत्र घर में इकट्ठे करके रखे हैं वह शमी पत्र अपने जेब में डालकर लेकर जाना है। भगवान शिव की कृपा से आपका वह काम अवश्य पूरा होगा। वैसे तो यह उपाय गुरुजी ने प्रदोष के लिए बताया है, पर साथ में गुरुजी ने यह भी कहा है कि यह उपाय हम सोमवार या सोमवार की अष्टमी या हर महीने में जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि को भी हम यह उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने कोशिश की है इस उपाय को आपको अच्छी तरह से बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।